क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर सॉरी कल का लेक्चर तो एनजी सर ने लिया था और कल एक्चुअली लेना तो मुझे ही था, पर अचानक सुबह सुबह बहुत इमरजेंसी आ गई। मैंने वाइफ के पेट में दर्द था, उनको एक मेडिसिन दिया और उस मेडिसिन के चक्कर में उनको एलर्जी हो गई, तो पूरे बॉडी में उनके रेसेस आ गए, तो सर को लेना पड़ा नॉमेनक्लेचर चैप्टर। फिर भी आप मैंने देखा था सर ने आपको काफ़ी कुछ इसमें पढ़ा दिया है नॉमेनक्लेचर में। इससे पहले कि अब एक बार मैं आपसे बात कर लूँ, इसमें सिवा जो है बच्चों के चैट दिख जाएंगे क्या? ओके कोटा से बाहर सभी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग, और मेरी आवाज़ सब तक जा रही है? अगर जा रही है तो एक बार यस बोल दें आप लोग। ओके मेरी आवाज़ सब तक जा रही है बेटा, वहाँ तक जा रही होगी? ओके ओके तो अपन स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। अच्छा आप लोग इससे पहले किस क्लास में थे? ट्वेल्थ में थे? ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया? अभी ट्वेल्थ में ही है? आप अभी ट्वेल्थ में ही है? आप भी अभी ट्वेल्थ में? आप रनिंग ट्वेल्थ में है? नहीं वो तो सिलेबस हो गया होगा, ऑलमोस्ट हो गया होगा आपका ट्वेल्थ सिलेबस हो गया होगा, आप भी ट्वेल्थ में है। ठीक है तो अपन जेई मेंस के बारे में अगर बता दूं तो जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आएंगे, वैसे तो 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 8 से 9 क्वेश्चन जो आते हैं, वैसे तो 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आएंगे, 10 11 इनऑर्गेनिक के आएंगे, 10 11 जो है फिजिकल के आएंगे। थोड़े बहुत कभी कभी ऑर्गेनिक के या फिजिकल के थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन, कभी कभी 10 के बजाय 11 या कभी कभी 12 आ जाता है, पर हम ये मान के चलेंगे कि 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है और बहुत आसान होता है जेई मेंस में सेलेक्ट होना, 99% के ऊपर पाना बहुत आसान होता, बहुत स्मार्ट तरीके से अगर आप प्ले करेंगे तो बहुत बढ़िया कर लेंगे। जैसे मेरे को उंगलियों में चैप्टर काउंट होता है, तो मैं ठीक नहीं किया बेटा? अच्छा अभी रिलैक्स हो जाओ। ठीक है तो जेई मेंस में जो है सेलेक्ट होना 99%+ पाना बहुत आसान होता। जैसे मैं आपको बताऊं, आप पेपर उठा के देखिए, 2018 के सारे पेपर देख लीजिए, सारे शिफ्ट के पेपर, 2019 के सारे शिफ्ट के पेपर देख लीजिए, 20 के सारे शिफ्ट के पेपर देख लीजिए, तो आप एकदम प्रिडिक्टेड क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको IUPAC नेमिंग आती है, और ये ऑलमोस्ट सबको आती है, IUPAC नेमिंग सबको लगभग आती, मेरा ऐसा मानना है जिसने रूल पढ़ा है। भाई जिसने रूल नहीं पढ़ा है, कुछ मिस कर रहा है, तो हो सकता है उस बीच बीच में थोड़ा सा लैग करे, अदरवाइज सबको आती है। तो IUPAC नेमिंग से एक सवाल आता, पेपर उठा के देखिए ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर GOC से 1 से 2 सवाल आता आपके एग्जाम में, आता है ना बेटा? ठीक है 3 सवाल हो गए आप, तो मैं आप मान के चलता हूँ 1 सवाल GOC का आता है, मिनिमम 100% फिक्स है, आना ही आना है। 2 सवाल हो गए, अच्छा 1 सवाल आइसोमेरिज्म का भी आ सकता है, 3 सवाल हो गए आइसोमेरिज्म के। अब 3 सवाल आपके इधर के हो गए, और उधर मैं चलता हूँ तो अगर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ लिया या आपने एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, एमाइंस पढ़ लिया, तो एरोमेटिक कंपाउंड से 1 सवाल फिक्स है 100%। जो सभी चैप्टर की एरोमेटिक पार्ट है ना, वो एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन फिक्स है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। 1 क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन से फिक्स होता है, दोनों मिला के 100% 101% ना आए तो ये मेरी गारंटी 100% आएगा। 5 क्वेश्चन हो गया, 1 क्वेश्चन होता है बायोमालिक्यूल का फिक्स होता। 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन के आसपास हो गए, 10 क्वेश्चन में से 6 हमने आपको काउंट करा दिए। 1 क्वेश्चन अक्सर कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। 11 की एक केमिस्ट्री होती है, वो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें डिस्टिलेशन टेक्निक वगैरह होता है, और जिसमें जेल्डाल ड्यूमास मेथड द्वारा एलिमेंट्स एटम का एस्टिमेशन होता है, आता है ना आपको यहाँ से? ये एक सवाल यहाँ से आता है, ये तो मैं अभी मान के चलता हूँ नहीं, बाकी के जो दो एक दो सवाल होते हैं, एक सवाल रिडक्शन ऑक्सीडेशन, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया है तो वहाँ से एक सवाल आता है, और एक सवाल आपका आता है बेटा एल्कोहल ईथर, एक सवाल आता है एल्काइल हैलाइड से, हो गए। अब इसमें नॉमेनक्लेचर लगभग सबको आता है, ये सवाल सब लोग सही कर सकते हैं।
जीओसी के सवाल लगभग सब सही कर सकते हैं, थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो। थोड़ी जीओसी टफ होती है, जीओसी में दिमाग ज़्यादा लगता है, बाकी में आई नॉमिक्लेचर में दिमाग कम लगता है, जीओसी में दिमाग ज़्यादा लगता है। तो जीओसी के सवाल भी आप सही कर सकते हैं, आइसोमेरिज्म के भी सवाल सही कर सकते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म रिलेटिवली जीओसी से आसान होता है, फिक्स होता है, स्ट्रक्चरल है, स्टीरियो है, ज्योमेट्रिकल है, ये कन्फर्म आप आराम से बता सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो ये तीन सवाल आप फिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही एरोमेटिक केमिस्ट्री थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो वो बहुत आसान होती है, और उससे एक सवाल 100% आप सही कर सकते हैं। और एमाइंस बहुत छोटा चैप्टर होता, मतलब बहुत छोटा चैप्टर होता है, दो लेक्चर में बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं उसे अपन, वहाँ से भी एक सवाल आप कर सकते हैं। कितने सवाल मैंने काउंट करा दिए, पांच काउंट करा दिए। कार्बोनाइल कंपाउंड नेम रिएक्शन, अगर आपको नेम रिएक्शन वगैरह आता है या बायोमोलिक्यूल, इनको मिला के एक सवाल तो आप 100% छः तो कर ही सकते हैं। अब छः सवाल आपने ऑर्गेनिक के कर लिए, आठ में से आएंगे आठ ना। कॉर्डिनेशन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तीन चार सवाल आते ही आते हैं, आते हैं आते हैं। एक नॉमिक्लेचर से उससे आता है, एक आइसोमेरिज्म से आता है, एक उसके जो है बॉन्डिंग पैटर्न से आता है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फिल थियरी मिला करके एक सवाल आता है, एक आइसोमेरिज्म से वहाँ से आता है, तो तीन चार सवाल फिक्स होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के दो सवाल फिक्स होते हैं, मतलब यूँ समझिए कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल के छः छः सवाल तो प्रिडिक्टेड होते हैं, छः छः सात सात सवाल। पांच सवाल जो होते हैं वो प्रिडिक्टेड नहीं होते, 25 में से 20 सवाल आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से पढ़ के, कम तैयारी करके, तो 20 क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन सही करने का मतलब, अगर आपने केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन सही कर लिया, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन सही कर लिया, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लिया आपको लगे कि पेपर टफ आ गया, मैथ्स में आपने 15 क्वेश्चन कर लिया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, तो कितने क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन सही आराम से कर सकते हैं। और 50 क्वेश्चन में कितने नंबर मिलेंगे आपको, और 200 में आपकी रैंक कितनी आएगी सोच लीजिए, कितनी, 99% या 100% आ जाएगा, रैंक कितनी आ जाएगी आराम से, 9 से 10 हज़ार रैंक आपकी आ जाएगी। तो NIT IIIT तो आपने पहले हासिल कर लिया, और जब NIT IIIT आपने इसने हासिल कर लिया, तो जो एडवांस के कुछ पेपर्स होते हैं, एडवांस में 30% क्वेश्चन या 25% क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि उसके 25-30% क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, रिमेनिंग 35-30% क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से टफ होते हैं, उसके अगले 35 क्वेश्चन क्या होते हैं जो है थोड़े 30% और टफ होते हैं। मतलब स्टार्ट लास्ट के जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे करते हैं जो कोचिंग वगैरह कर पाते हैं, स्टार्टिंग के 30% बच्चा जो बोर्ड पढ़ता वो भी कर सकता, और बीच के 30% बच्चे जो होते हैं थोड़े से तेज बच्चे, मीडियाकर बच्चे जो होते हैं वो कर लेते। तो मतलब अगर आपने इसमें यहां कर लिया तो एडवांस तो और आसान होता है, एडवांस तो प्रेडिक्टेड होता वो भी। मतलब मेरे कहने का क्वेश्चन बहुत आसान है, तो अपन स्मार्ट तरीके से प्ले करेंगे, और पहला ही मेन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देंगे, जिसमें हम लगभग कम से कम 200+ नंबर पा जाए। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो अपन लास्ट लेक्चर में, चूंकि मैं ऑप्शन था तो एनजे सर ने नॉमिक्लेचर स्टार्ट कर दिया था, और नॉमिक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत आसान होता है, और उन्होंने शायद कुछ पढ़ाया भी था, मैंने देखा था उन्होंने, जैसे क्या क्या बता दिया था आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग सब्जेक्ट अलग टॉपिक क्यों होती है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत क्या होती है, ज़्यादा, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, उसकी वजह यह होती है कि कार्बन की बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है, लोगों से जुड़ने की टेंडेंसी होती है, कार्बन का नेचर जो लोगों के साथ जुड़ने मिक्सअप होने की टेंडेंसी होती है, वो मेटल से भी मिल सकता, नॉन मेटल से भी मिल सकता, और अपने ही जैसे किसी और दूसरे कार्बन से भी मिल सकता। उसे कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, आपने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। फिर आपको सर ने यह बता दिया हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन कैसे पहचानते हैं, कैसे हाइड्रोजन पहचानते हैं, वो भी सर ने आपको बता दिया होगा ना आपको। इसके बाद सर ने यह बता दिया होगा शायद ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक क्या होते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, बता दिया सर ने। साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल आपको दिख रही है ना, और एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, ओपन चेन कंपाउंड जो होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड ओपन चेन हो सकता है।
और जो साइक्लिक कंपाउंड्स है वो दो कैटेगरी का होता है, एक होमोसाइक्लिक होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक। जहां पर कार्बन सिर्फ साइकिल की बनी होती है उसको क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक, और जहां कार्बन जो है जहां पर साइकिल सिर्फ कार्बन की बनी होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, होमोसाइक्लिक, और जहां पर साइकिल कार्बन प्लस किसी और एटम से बनी हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक। जानते हैं आप लोग किसी कंपाउंड में हेट्रो एटम अगर आपको बतानी है ठीक, किसी कंपाउंड में जो साइकिल है वो सिर्फ कार्बन की बनी, बाहर हेट्रो एटम हो, इनको आप क्या कहते हैं, होमो साइक्लिक। साइकिल जो है वो सिर्फ कार्बन की बनी हुई है, होमो साइक्लिक। इसे ऐसे भी लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा इसे, साइकिल किसकी बनी है, सिर्फ कार्बन की। अच्छा, बाहर कोई हेट्रोएटम हो सकता है, हेट्रोएटम जानते हैं बताओ, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोएटम। तो अगर मान लो कोई साइकिल बनाते वक्त उसमें कोई दूसरा एटम भी इन्वॉल्व हो जाए कार्बन के साथ, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। इसमें ये साइकिल सिर्फ किसकी बनी है, कार्बन की, ये भी साइकिल किसकी बनी है, कार्बन की, ये भी साइकिल किसकी बनी है, कार्बन की, ये भी साइकिल किसकी बनी है, कार्बन की है, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक आप जानते हैं, जैसे मान लो ये साइकिल बनी हुई है इसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो जाए। अब ये साइकिल चार मेंबर, छह मेंबर की है जिसमें पांच तो कार्बन है, एक नाइट्रोजन शामिल हो गया। ये साइकिल जो है देखो, ये पांच मेंबर की है जिसमें चार कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन 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 या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। हमसे हेट्रोएटम काउंटिंग भी पूछा जाता है कभी कभी, किसी कंपाउंड में किसी साइकिल में हेट्रोएटम कैसे काउंट करेंगे, साइकिल के अंदर जो हेट्रोएटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको हम कहेंगे हेट्रोएटम। जैसे यहां पर मैं आपसे पूछू हेट्रोएटम कितने प्रेजेंट होंगे, इस कंपाउंड में, इस यहां पर हेट्रोएटम अगर आपसे पूछा जाए इसमें हेट्रोएटम कितने प्रेजेंट होंगे, आपसे पूछा जाए तो कितने हेट्रोएटम प्रेजेंट होंगे, तो याद रखिएगा इसमें है तो हेट्रोएटम बहुत सारे, ये भी हेट्रोएटम, ये भी हेट्रोएटम, ये भी हेट्रोएटम, ये भी हेट्रोएटम है, पर साइकिल के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कौन से हैं बताओ, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये सल्फर, तीन एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर कोई पूछे इसमें हेट्रोएटम है कि नहीं है तो आप बोलेंगे है, और इसमें हेट्रोएटम की संख्या कितनी हो जाएगी, थ्री, और उस तीन में दो नाइट्रोजन एक क्या हो जाएंगे, सल्फर। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आप समझ गए जिसमें साइकिल कार्बन के साथ हेट्रोएटम, ये शायद सर ने बता दिया हो। अब हम आगे आपको बढ़ेंगे, तो जो साइक्लिक कंपाउंड है ये दो प्रकार के होती है, एक एरोमेटिक कैटेगरी होती है और जो दूसरी एरोमेटिक नहीं होती एलिसाइक्लिक कहते हैं। तो एरोमेटिक कैटेगरी हम जीओसी में पढ़ेंगे कि जो जिसका करेक्टर बेंजीन से मिलता जुलता है उसको एरोमेटिक कहते हैं, और जिसका करेक्टर बेंजीन से मैच नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। आगे हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इसमें भी कुछ एरोमेटिक हो सकते हैं, कुछ हेट्रोसाइक्लिक, कुछ नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पर उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एरोमेटिक रूल जानने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, थोड़े से एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, वो हम पढ़ेंगे वहीं पर। जैसे कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और कंपाउंड हकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये अपन क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, वहीं पर। वैसे मैं आपको, आपको ये पता होगा कि ये वाला कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक है, और ये तो सेम चीज मैंने बना दिया, यही ऊपर वाले रिंग बना दिया। चलो इसको अंतर कर देते हैं, ये एरोमेटिक नहीं है, इसको कहेंगे एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड में भी जो होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में भी
कुछ कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होंगे, जो एरोमेटिक होंगे उनको कहेंगे एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं होंगे उन्हें कहेंगे एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। आगे हम आपको बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन एक फंक्शनल ग्रुप के आधार पे होता है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन होगा उसे एल्काइल हैलाइड कहेंगे, जिसमें OH होगा, जिसमें हैलोजन होगा उसे हैलोजन डेरिवेटिव या एल्काइल हैलाइड कहेंगे, जिसमें OH होगा उसे एल्कोहल कहेंगे, जिसमें OR होगा उसे ईथर कैटेगरी के कहते हैं, जिसमें COOH होगा उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे, जिसमें SO3H होगा उसे सल्फोनिक एसिड कहेंगे, जिसमें COOSH होगा उसे थायोसल्फोनिक एसिड कहेंगे। इस प्रकार से आप अलग अलग फंक्शन ग्रुप के बारे में जानते हैं। जिस कंपाउंड में COOR होगा एस्टर ग्रुप होगा, इसे हम एस्टर कहते हैं। आई थिंक ये फंक्शन ग्रुप के बारे में तो आप जानते हैं। बोलिए, तो हम लोग सीधे सीधे अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप और ये नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, आपको बता दूं, ये फंक्शन ग्रुप को हम इनका नाम जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इन फंक्शन ग्रुप को पहचानना भी सीख जाएंगे। वैसे ही आपको आता होगा, इसको बताएंगे तो अनावश्यक आधा घंटा लगेगा। अगर बताइए आप लोगों को फंक्शन ग्रुप समझ में नहीं आता तो अलग अलग फंक्शन ग्रुप में लिखूं, लिस्ट बनाओ। वैसे लिस्ट बना हुआ फंक्शन ग्रुप की, ये देखिए इसमें लिस्ट बना हुआ, यहाँ पर लिस्ट बना हुआ, मैं अब आगे आपको दिखाता हूँ। अब हम डायरेक्ट आपको बताते हैं अगला पॉइंट्स, होमोलोगस सीरीज। ये भी सर ने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा होमोलोगस सीरीज क्या होती है, बता दिए जल्दी से होमोलोगस सीरीज। सर ने ये नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था हाइड्रोकार्बन का, तो ये होमोलोगस सीरीज भी आपको बताया होगा। होमोलोगस सीरीज क्या है, जैसे सीरीज भूल गए आप लोग, इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है बताइए, अल्कोहल। ये सारे अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, इसमें अल्कोहल का सबसे छोटा मेंबर, इसे छोटा अल्कोहल तो होता नहीं है, बोलिए इसे छोटा अल्कोहल तो होता नहीं, इसे छोटा अल्कोहल अगर करेंगे तो वाटर बन जाएगा, वो अल्कोहल नहीं होता, मतलब यह कार्बन भी हटा देंगे यहां से तो ये वाटर होगा, वो अल्कोहल नहीं होता। तो अल्कोहल की शुरुआत मैंने मिथेनॉल से किया, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब ध्यान से देखिए कि ये कोई एक सीरीज हो जिसमें फंक्शन ग्रुप सेम हो, सीरीज अब होमोलोगस सीरीज है ना, तो एक ही एक सीरीज है जिसमें फंक्शन ग्रुप क्या है बताओ, सेम है, और जिसमें दो लगातार मेंबर एक दूसरे के साथ CH2 यूनिट से डिफर करते हो, उनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये तो रटने वाली बात हो गई, सीधा सीधा किसी भी फंक्शन ग्रुप की सीरीज उसमें छोटे मेंबर से लेकर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी मेंबर को अरेंज कर दीजिए तो जो सीरीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। फिर से सुन लो, लिखना चाहे तो लिख लेना, इसे देख के साफ साफ समझ में आ रहा है। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग क्या सेम है बताओ, सेम फंक्शनल ग्रुप विच डिफर टू ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस या ऑफ CH2 यूनिट। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटा, CH4O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C2S6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C3H8O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ C4H10O। इनमें अंतर क्या, अगर हम इस किसी भी नीचे वाले से जैसे C4 में से हम माइनस C3H8 घटाएं, C3H8 को माइनस करें, ओ एक ऑक्सीजन ऊपर था एक ऑक्सीजन नीचे है, दोनों ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे। हाइड्रोजन की संख्या ऊपर 10 थी, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2। यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 थी, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, तो ये CH2 यूनिट का बचेगा। तो इन दोनों के बीच में किसका अंतर है बताओ, CH2 का। ऐसे इन दोनों के बीच में किसका अंतर है, CH2 का। इन दोनों के बीच में क्या है बताओ, CH2 यूनिट का अंतर है। समझ में आ गया, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने लिखा है ग्रुप डिफर बाय CH3 यूनिट, ये 3 शुभम प्रवीण ने 3 क्या लिखा हुआ, ठीक है इसको मिटा दूं मैं।
ये समझ गए ना आप लोग। तो होमोलोगस सीरीज की डिफिनेशन क्या होगी आप खुद ही बताइए, आप अपने से बताइए, रटने की आवश्यकता नहीं है इसको, इस सीरीज को देख करके बताइए। आर नोन एज ए होमोलोगस सीरीज या ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय सीएच टू यूनिट आर नोन एज क्या कहेंगे होमोलोगस सीरीज। ओके अब होमोलोगस सीरीज के बारे में थोड़ी सी और कुछ बातें आपको बता दो। ये तो आपने लिख ही लिया था C4H10O। होमोलोगस सीरीज में इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, इनमें क्या क्या सेम होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है, इनकी प्रॉपर्टी में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, बताइए जल्दी से करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट। पहला फर्स्ट इनकी करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, फर्स्ट इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम या डिफरेंट, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या, एटम की संख्या, एटम की संख्या सेम नहीं होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है CH4O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H6O, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं बोलो, डिफरेंट। नेक्स्ट इनके मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट। नेक्स्ट तीसरा और इनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम। और बोलो कुछ इनके बारे में, अच्छा टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, टू सक्सेसिव मेंबर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट। पांचवा, अच्छा एक ही फैमिली के जो सदस्य होते हैं इनके बीच में क्या एक रिलेशन होता है, इनको होमोलोग्स कहा जाता है ना, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर नोन एज क्या कहेंगे होमोलोग। जैसे मैं बोलूं कि ये इथेनॉल और ब्यूटेनॉल ये इनके बीच में क्या संबंध है, तो ब्यूटेनॉल बड़ा भाई है, इथेनॉल छोटा भाई है एक ही फैमिली का, आप इसे इनको होमोलोग्स भी कह सकते हैं, भाई के बजाय क्या कह सकते हैं, ब्यूटेनॉल इज होमोलोग्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है तो दे आर क्या लिखेंगे, मेंबर्स आर नोन एज होमोलोग्स टू ईच अदर। अच्छा इनके फंक्शन ग्रुप लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, लग फंक्शन ग्रुप सेम है, तो जो रिएक्शन इनके फंक्शन ग्रुप पे डिपेंड करती है, और केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली फंक्शन ग्रुप पे डिफर करती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करेगी, कार्बन की संख्या पर भी डिपेंड करेगी, तो जो कार्बन की संख्या पर डिपेंड करेगी वो तो चेंज हो सकती है, लेकिन जो फंक्शन ग्रुप पर डिपेंड करेगी वो क्या होगी बताओ, वो डिफरेंट। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इनके मॉलिक्यूलर वेट वगैरह पे डिपेंड करती है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। इनके जनरल फार्मूला क्या होंगे, सेवन, इनके जनरल फार्मूला क्या होंगे, इन सबके जनरल फार्मूला सेम होते हैं, मतलब इनके जनरल फार्मूला सेम होते हैं। अच्छा किसी का जनरल फार्मूला अगर आपको निकालना है तो वो कहाँ से निकालते हैं, आप कभी भी किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला निकालते हैं, तो अगर हम इसका इसके हिसाब से जनरल फार्मूला निकालें तो हो सकता है हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि कार्बन का चार गुना हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हो सकता है C1H CN, अगर C की संख्या N है तो H की संख्या 4N, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। जब भी किसी का जनरल फार्मूला आपको निकालना है तो तीसरे या चौथे मेंबर के आधार पर जो जनरल फार्मूला तीसरे या चौथे से मैच करे वही जनरल फार्मूला होगा। समझ में आ गया, तो फ्यूचर में कभी भी जनरल फार्मूला निकालना है तो आप क्या करो, किसी भी होमोलोगस सीरीज का पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा मेंबर बना लो, उसके तीसरे चौथे से आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के रेशियो से उसका जनरल फार्मूला बता सकते हैं। यहाँ पर बताइए कितने कार्बन है, तीन, हाइड्रोजन कितने हैं आठ है, तो कार्बन का डबल करेंगे प्लस उसमें दो जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन, तो इनके जनरल फार्मूला क्या हो जाएंगे, इनके जनरल फार्मूला इसका एल्कोहल का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2O। तो ऐसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर आपसे जनरल फार्मूला बनाने को बोले तो पहले मेंबर से कभी मत बनाना, आप हमेशा किससे बनाना, तीसरे चौथे मेंबर से बनाना, आप बिना रटे इसे चाहे तो बता सकते हैं, तो इनके जनरल फार्मूला भी क्या होते हैं, सेम होते हैं।
एटसेट्रा, इनके बॉलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट। तो होमोलोगस समझ गए आप लोग, आगे आपको जब पढ़ेंगे ना तो हो सकता है कि रिलेशनशिप पूछ ले। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर्स हैं या होमोलोग्स हैं, तो ये आपस में क्या होमोलोग्स हैं, ये एक ही फैमिली के मेंबर है, ये साइक्लिक साइक्लोएल्केन के मेंबर है। मैं कहीं पूछ लूँ आपसे मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल आपस में क्या है, तो आप बोलेंगे दे आर होमोलोग्स। मिथेनॉल और हिथेनॉल भी आपस में क्या है, होमोलोग्स। ये हो गया होमोलोगस सीरीज की कहानी। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ होमोलोगस सीरीज की डिफिनीशन, आप चाहें तो इसको देख लेंगे, इसमें डिफिनीशन लिखी हुई है ना। होमोलोगस सीरीज की टेबल ये बनी हुई है अलग अलग। अब हर होमोलोगस सीरीज के लिए जनरल फार्मूला और ये इनके मॉलिकुलर फार्मूला दिए गए, पहले मेंबर का, सेकंड मेंबर का, पर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जनरल फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ, इसे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसी भी होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये टेबल है आपके पास है, आप इसे, ये सारे फंक्शन ग्रुप, जितने फंक्शन ग्रुप होते हैं उतने होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज की संख्या कितनी होती है, होमोलोगस सीरीज की संख्या कितनी होती है बेटा, जितने फंक्शनल ग्रुप उतने होमोलोगस सीरीज होते हैं। बस ये हमने जो जानना था आपको, पहला, अब एक बार मैं याद करा दूं, कैटिनेशन क्या होता है, ये आता है आपको, अच्छा हाफ डाइजेशन भी निकालना आपको आता है, शायद सर ने, मैंने देखा था वो बता दिया आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन पहचानना आपको आता है, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर एनसीईआरटी में दिया है, एक जो है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर दिया, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे साइक्लिक और एसाइक्लिक दिया है, और साइक्लिक में एक सवाल बनता है कौन हेट्रोसाइक्लिक है कौन होमोसाइक्लिक है, और किस में कितने हेट्रो एटम है कितने हेट्रो एटम नहीं है, इतना ही सवाल आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के बाद में क्लासिफिकेशन आता है, जिस टाइप का फंक्शनल ग्रुप वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास। फिर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग, उससे पहले होमोलोगस सीरीज क्या होती है मैंने अभी आपको बता दिया। अब नेमिंग, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेमिंग होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेमिंग होता है, ये भी सर ने स्टार्ट कर दिया था, हाँ सर ने हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट बता दिया था। अब देखो, एक तो नेमिंग का तरीका होता है कि उसमें हम थोड़ा रूल की संख्या ज्यादा दिमाग में रटना पड़ता, और एक होता है कि थोड़े से कम रूल रटे और मैथमेटिकल तरीके से काम करें, तो सर ने जो बता दिया है वो तो बता ही दिया है उसी मेथड से, और हाइड्रोकार्बन तक बता दिया, तो मैं हाइड्रोकार्बन तक नहीं बताऊंगा, तो डायरेक्टली एक बार मैं मेथड समझा करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, हाइड्रोकार्बन वाले एग्जाम्पल को अपन नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग में जो होता है ना, वो 5 पार्ट मैक्सिमम होता है किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम, दुनिया के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर नाम दिया जाए आपको आईयूपीएसी मेथड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें मैक्सिमम 5 पार्ट होता है ना, कौन कौन सा होता है, एक होता है P2, एक होता है P1, एक होता है WR, एक होता है S1 और एक होता है S2। ये सर ने बता दिया था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, और सफिक्स में सर ने 2 पार्ट बताया था, ये सर ने बता दिया था, ठीक है। इसमें जो P2 इसको हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, और जो P1 है इसको लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, जो WR है इसे कहते हैं वर्ड रूट, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, और जो S1 है इसे के लिए, 1 का मतलब प्राइमरी सफिक्स है और 2 का मतलब सेकेंडरी है, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे आते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले आते हैं, तो पहले 2 पार्ट आते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, और बाद में भी 2 पार्ट आते हैं, एक क्या आता है बताओ, प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। ये सर ने समझा दिया है, लेकिन एक बार मैं 5 मिनट रिवाइज कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ताकि देखो थोड़ा थोड़ा सबके पढ़ाने के स्टाइल में हल्का हल्का क्या होता है, फर्क होता है। अब स्टार्टिंग तो मुझे करना था तो मैं यहीं से स्टार्ट करता, तो यहां पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, तो जो सर ने पढ़ाया उसी चीज को समझा करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाते। इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, ये सर ने आपको बताया होगा, ये प्राइमरी प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट और ये सेकेंडरी सफिक्स। किसी भी कंपाउंड का एक कार्बन की चेन जो होगी, मेन कार्बन चेन होगी, किसी भी कंपाउंड में एक मेन कार्बन चेन जो होती है, ये 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन कुछ भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है, ये ओपन चेन भी हो सकती है ना, तो ये मेन कार्बन चेन में कार्बन की संख्या को बताता है।
कि मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन चेन प्रेजेंट है। ओके, एक एक करके बताता हूँ। और इसमें जो P2 है ये क्या बताता है कि इस मेन कार्बन चेन पे जो साइड से ग्रुप अटैच होंगे, जैसे मान लो मेन कार्बन चेन में कोई साइड से ग्रुप, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है या CH3 ग्रुप अटैच है, ये जो साइड कार्बन चेन है ये बताता है P2। तो P2 किसको बताता है बेटा? ये बताता है साइड कार्बन या साइड फंक्शनल, या इसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट। साइड कार्बन चेन या सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये बताता। अच्छा, ये किसको बताता है? ये कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है? अगर कंपाउंड साइक्लिक होता है तो ये इसका यूज होता है। एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं। किसी भी कंपाउंड के नामक्लेचर में ये पांच पार्ट होते हैं। यहाँ पर टेबल बनी है, समय कम लगेगा, हम लोग फटाफट बढ़ जाएंगे। नेमिंग पैटर्न यही होता है, जब भी किसी कंपाउंड का नाम ढूंढिएगा तो ये मैक्सिमम पांच पार्ट मिलेंगे। लेकिन ये पांचों पार्ट हुए जरूरी नहीं, इसमें दो पार्ट हमेशा मिलेंगे आपको। मतलब किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेमिंग में ये दो पार्ट तो हमेशा होंगे, एक वर्ड रूट और एक S1, ये हमेशा होगा। बाकी के जो तीन पार्ट हैं ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो किसी भी कंपाउंड के नेमिंग में हमें ये पांचों पार्ट पहचानना है, ढूंढना है और इसी क्रम में रखना। आपको पता चल गया कि ये P2 है तो P2 सभी यहीं लिखाएंगे। अगर एक P2 है तो ये हमेशा पहले लिखाएगा, दो P2 है तो वो भी पहले लिखाएगा, चार P2 है, चार साइड ग्रुप है तो वो सभी पहले लिखाएंगे। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे, पर वो सब P1 से पहले लिखाएंगे। आ गया? इसके बाद पता चला ये कंपाउंड का P1 है, तो सभी P2 लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? P1। अगर मान लो ये दोनों नहीं है तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? WR वर्ड रूट के बाद क्या लिखेंगे? S1। अब जैसे S1 ढेर सारे हो गए तो ये भी अल्फाबेट ऑर्डर में लिखाएंगे। समझ में आ गया? अब फिर फंक्शनल ग्रुप, किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ढेर सारे नहीं होंगे। किसी भी फंक्शन ग्रुप का जो मुखिया होता है, जो किसी भी कंपाउंड का जो मेन फंक्शन ग्रुप होता है मुखिया, वो हम डिसाइड करेंगे कि हम मुखिया को कैसे डिसाइड करते हैं। वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, उसके आधार पे हम यहाँ पर मुखिया को क्या कर लेते हैं? डिसाइड कर लेते हैं। तो जो मुखिया होता है वो एक ही होता है, लेकिन हर घर में मुखिया हो जरूरी नहीं। ये S2 सबके पास हो ये जरूरी नहीं है। अगर किसी कंपाउंड में S2 है तो वो हमेशा यहाँ पर लिखाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे ये नेमिंग पैटर्न लिखा हुआ है इसमें, फॉर्मेट आप IUPAC नेमिंग, ये क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप होता है। लोकेंड मतलब इनकी पोजीशन के साथ हम लिखते हैं। लोकेंड समझ रहे ना आप लोग? जैसे मान लो किसी कंपाउंड में साइड ग्रुप, कोई साइड ग्रुप 2 पर है, कोई 3 पर है, कोई 4 कार्बन पे है, तो उनकी लोकेशन मकान नंबर के साथ हम उनको लिखते हैं। अच्छा, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, साइक्लो और एसाइक्लिक नेचर को बताता है। वर्ड रूट आप जानते हैं, और प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन में से कुछ होगा, आगे हम आपको सिखा रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट मेन कार्बन चेन में जो कार्बन की संख्या होती है उसके आधार पे अपन क्या डिसाइड करेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट अगर एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, दो कार्बन होगा तो एथ होगा, तीन कार्बन होगा तो प्रोप होगा, अच्छा 13 कार्बन होगा तो ट्राइडेक होगा, 14 कार्बन होगा तो टेट्राकॉन्ट होगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। वैसे आपको पता होगा 9 तक तो आपको पता, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 9 कार्बन नोन, 10 कार्बन, ये गलत लिखा यहाँ पे, ये करेक्शन है, कंप्यूटर महाशय की गलती है। तो यहां पर क्या लिखा है बता बेटा? DEC डेक। और 11 कार्बन है तो अनडेक, और 12 कार्बन है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, एक्साडेक, 20 है तो आईकॉस, ठीक है। इसी प्रकार से आप चाहें तो सबके बता सकते हैं। वैसे 15-16 कार्बन से ज्यादा हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो 14-15 कार्बन मिलेंगे, अदरवाइज उससे ऊपर मिलने वाले नहीं है। ये आपके काम का कोई नहीं है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब अगला केस आता है प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स, ये तो सफिक्स आ गया। पहले हमने क्या लिखा? इसमें लगता है कुछ डिलीट हो गया।
हाँ चलिए यहीं से मैं बताता हूँ, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे ना। इसमें एक टेबल जो है वो टेबल मर्ज कर दी गई, उसी टेबल को आप समझेंगे। ये जो सफिक्स है रुक जाओ, हाँ यहाँ से, ये जो साइड कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट है, या ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो साइड ग्रुप है उसकी टेबल बनी होगी, आगे जो बनी है, जैसे किसी में साइड ग्रुप नाइट्रो हो गया तो उसके लिए एक जो पी टू होता है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, वो क्या लिखते हैं आप लोग, नाइट्रो। कहीं पर एनओ लिखा है तो उसके लिए क्या होता है, नाइट्रोसो। कहीं पर X लिखा है तो उसके लिए क्या होता है, X ये हेलोजन है तो क्या लिखते हैं आप लोग, हेलो, ये नाइट्रो, ये नाइट्रोसो, ठीक है। कहीं पर इसके आगे और भी ऐसे कोई ग्रुप लगे हैं, R लगा है तो ये सभी क्या होंगे बताओ, एल्काइल। तो सबके जो प्रीफिक्स होते हैं वो आगे टेबल में बना है, उसी में हम आगे अभी पढ़ लेंगे। अच्छा, ये क्या बताता है, कंपाउंड जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। और ये जो कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड के नाम में पी टू पी वन डब्ल्यू आर एस वन प्लस एस टू, ये बताता है कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। अगर कंपाउंड एसाइक्लिक है तो ये नहीं होगा, इसके स्थान पर कुछ नहीं होगा, और कंपाउंड साइक्लिक है तो इसके स्थान पे कुछ ना कुछ होता है। अब वो क्या होगा, वो साइक्लिक होगा तो वो तीन में से कोई एक पार्ट हो सकता है, कौन कौन सा है ना, एक तो हो सकता है साइक्लो, दूसरा बाईसाइक्लो, तीसरा ट्राईसाइक्लो। ट्राईसाइक्लो हमारे सिलेबस में नहीं है, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, स्पाइरो और ट्राईसाइक्लो, ये आगे हम आप लोग पढ़ेंगे। स्पाइरो, स्पाइरो, ट्राई साइक्लो, ठीक है, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ट्राई साइक्लो। ये डिपेंड करता है कि साइक्लिक कंपाउंड कैसा है। जैसे मान लिया सिंपल साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड आप लोग जानते ही हैं, है ना, स्पाइरो सर ने बताया होगा। साइक्लो कंपाउंड क्या है, जो सिंपल साइकिल होती है उसको, उसके नाम के आगे हम साइक्लो लगाते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, जब दो साइकिल के बीच में दो या दो से अधिक कार्बन एटम कॉमन हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं, ये बाईसाइक्लो। और स्पाइरोसाइक्लिक क्या होता है बेटा, जब दो साइकिल के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन हो तो उसको स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ट्राईसाइक्लो मतलब तीन साइकिल अटैच हो, वही स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेम भी हमारे सिलेबस में नहीं है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो इसका नाम अब पूछा नहीं जाता, इसे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम इनके नाम को अपन सीख लेंगे। तो याद रखना, जब किसी कंपाउंड में कोई कंपाउंड साइक्लिक है इस प्रकार से है तो यहां पर पी वन होगा, इसका पी वन हम लिखते हैं साइक्लो, आगे हम आपको बताएंगे जब, वैसे सर ने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कराते वक्त शायद इसको बताई है। अच्छा, इसको कब बताएंगे, बाईसाइक्लो कब बताएंगे, हम जब दो साइकिल हो और दो साइकिल के बीच में दो या दो से अधिक कार्बन एटम कॉमन हो, जैसे ये भी है बाईसाइक्लो का एग्जांपल, यहां पर लिख देता हूं उसको। पहली क्लास एब्सेंट होने की वजह से अब थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या आपने जाना है क्या क्या नहीं जाना है, तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग करते वक्त हम बाईसाइक्लो लिखते हैं और ब्रैकेट में तीन नंबर लिखते हैं हम लोग, एक नंबर लिखेंगे P, एक नंबर Q, एक नंबर R। ये कब लिखेंगे ये हम आगे आपको बताएंगे। ये तीन नंबर जो होता है ना, ये जो साइकिल में कॉमन कार्बन से जुड़े जो ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ी जो कार्बन चेन होती है उन्हीं की कुनू को काउंट करके बोलते हैं। और स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखते वक्त हम आपको बताएंगे, स्पाइरोसाइक्लिक के बाद दो नंबर लिखेंगे एक्स और वाई। अच्छा, ओपन चेन कंपाउंड होगा तो वहां पर पी वन नहीं होगा, ठीक है। अगला, अब ये वर्ड रूट आप समझ गए, नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, जो पैरेंट कार्बन चेन प्रेजेंट है, ये पैरेंट कार्बन चेन, ये पैरेंट कार्बन चेन हो सकता है पूरा सिंगल बॉन्ड हो,
पेरेंट कार्बन चेन हो सकता है इसमें कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, पेरेंट कार्बन चेन हो सकता है डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर हो, पेरेंट कार्बन चेन हो सकता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, पेरेंट कार्बन चेन में हो सकता है डबल बॉन्ड की संख्या दो हो, पेरेंट कार्बन चेन में हो सकता है बोलो एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो जो पेरेंट कार्बन चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है इससे हमारा क्या पता चलता है बेटा, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, नहीं है समझ में आपको? हमने अभी तक क्या क्या लिखा, एक है पी टू, एक पी वन, एक डब्ल्यू आर, एक एस वन, एक क्या है एस टू। पी टू क्या है फिर से बता दो, ये कंपाउंड के साइड ग्रुप है। पी वन क्या है, ये कंपाउंड साइक्लिक है कि ए साइक्लिक है। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब कंपाउंड क्या होगा साइक्लिक। इसका प्रयोग नहीं करेंगे जब कंपाउंड क्या होगा ए साइक्लिक। डब्ल्यू आर क्या होता है बेटा, किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या, पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या। S1 क्या होता है कि पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, कि एक डबल बॉन्ड है कि दो डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए कुछ वर्ड डिसाइड होते हैं। तो ये आप लिख लो यहां पर, नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, यहां पर S1 यूज। अच्छा मान लिया एक डबल बॉन्ड कहीं पर प्रेजेंट हो तो वहां पर लिखेंगे एक्स इन। एक्स क्या है, उसका लोकेशन है, मान लो वो डबल बॉन्ड टू और थ्री के बीच है तो टू लिखेंगे, अगर थ्री एंड फोर के बीच है तो थ्री लिखेंगे, फाइव एंड सिक्स के बीच है तो फाइव लिखेंगे। मान लिया डबल बॉन्ड की लोकेशन वेरिएबल ना हो, कहीं पर दो ही कार्बन हो, तो ये तो हमेशा वन पे ही होगा, तो जिसकी पोजिशन हमेशा वन ही हो वहां पर हम इसकी पोजिशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये एक्स इन। अगर कहीं पर दो डबल बॉन्ड हो क्या लिखेंगे आप, एक्स वाई डाई इन। कहीं पर तीन डबल बॉन्ड हो बोलो बेटा तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड ट्राई इन। अच्छा मान लो कहीं पर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ही हम काउंट करेंगे, किसी और के बीच का डबल बॉन्ड नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स आइन। कहीं पर दो ट्रिपल बॉन्ड हो बोलो तो एक्स वाई डाई आइन। ये वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, ये इनकी पोजीशन की संख्या। अगला मान लो एक डबल बॉन्ड प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, अब इसमें डबल बॉन्ड के लिए इन है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन है, तो हम दोनों की पोजीशन लिखेंगे एक्स ई प्लस वाई आई। पक्का? अच्छा मान लो कहीं पर दो डबल बॉन्ड प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, दोनों डबल बॉन्ड की लोकेशन नंबर लिखेंगे। एक्स इन वाई इन दो बार नहीं लिखेंगे हम, उसमें नंबर बताने वाले शब्द का प्रयोग कर देते हैं, क्या लिखेंगे एक्स वाई डाई इन, और फिर इसके बाद आइन हम लिखेंगे, तो लास्ट में लिख देंगे जेड आइन। एक बात और याद रखना, कभी इन और आइन को अगर आपस में हम सटाते हैं, मैंने यहां पर ये थोड़ा सा ये वन डबल बॉन्ड प्लस वन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे एक्स इन और इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा वाई आइन, लेकिन एक्स इन और वाई आइन के बीच में हम गैप नहीं करते, यहां पर हमने गलती से प्लस लिख दिया था, मतलब हम इन भी लिखेंगे और आइन भी लिखेंगे ये बताने के लिए मैंने यहां प्लस लिख दिया था, पर आप यहां पर क्या करें, यहां पर लिखेंगे एक्स इन के साथ में क्या लिखेंगे वाई आइन। जब भी कभी इन के पीछे से आइन को हम सटाएंगे या उसके नंबर के साथ, तो इन का लास्ट वाला लेटर ई ड्रॉप कर देंगे, कभी भी इन आइन से पीछे से सटा के कुछ भी लिखा जाए तो हम लास्ट वाला लेटर क्या कर देंगे बताओ, ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप करके उसे हटा देंगे। आगे कहीं पर एक डबल बॉन्ड हो प्लस दो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे एक्स इन डबल बॉन्ड के लिए और फिर पीछे से हम इनको सटाएंगे, फिर क्या लिखेंगे बताओ, आइन को जिसके बाद में लिखेंगे, आइन को इसके बाद लिखेंगे वाई जेड डाई आइन। अच्छा मान लो कोई डबल बॉन्ड ना हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तब वहां पर लिखेंगे, तब उसका जो एस वन हो जाएगा वो एन हो जाएगा। एस वन मतलब प्राइमरी सफिक्स। ये सर ने शायद आपको बता दिया था क्योंकि हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सर पढ़ा रहे थे, तो ये आपको बता दिया गया होगा।
बता दिया बेटा, बढ़ जाऊं आगे, क्योंकि अब हम डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप की नेमिंग पे चल रहे हैं। अब हम डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप की नेमिंग लिख करके पढ़ा देंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे बिल्कुल एकदम नहीं पढ़े हों तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं इन चीजों को एक बार आपको रिवाइज करा दिया। ये लिखा है सर यहाँ पर, है ना, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लिखेंगे, दो डबल बॉन्ड है तो डाई ईन लिखेंगे, तीन ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आयन लिखेंगे, एक डबल एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ईन प्लस आयन लिखेंगे। हो गया बेटा, ओके। वैसे आप जो मैंने भी लिखा दिया पीछे, मुझे लगा ये नहीं है तो मैंने वहां डायरेक्ट लिखा दिया। ओके, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट, इसको तो आप इग्नोर करिएगा। जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड में प्रेजेंट, जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो उस कंपाउंड का जो मुखिया कौन सा है, मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये S2 बताता है। S2 क्या बताता है, इसमें हो गया P2, एक बार फिर से बताइएगा, P2 क्या बताते हैं, साइड ग्रुप के बारे में बताते हैं। P1 क्या बताता है, कंपाउंड साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है। अच्छा बेटा, WR क्या बताता है, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, जो मेन कार्बन चेन हम डिसाइड करेंगे। फिर S1 क्या बताता है, S1 बताता है कि डबल बॉन्ड ईन है कि आयन है कि सारे सिंगल बॉन्ड है, ये बताता है ईन है, लगाएंगे एन लगाएंगे, ईन लगाएंगे या आयन लगाएंगे। फिर इसके बाद S2 आता है, ये आखिरी, ये बताता है मुखिया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड या मेन फंक्शन ग्रुप ऑफ कंपाउंड। हर हर फंक्शन ग्रुप का, हर कंपाउंड का एक मुखिया होता, एक मेन फंक्शन ग्रुप होता। अच्छा, ये जरूरी है, मैं शायद ये स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, हर फंक्शन, हर कंपाउंड का नहीं, कंपाउंड के अंदर कभी कभी मेन फंक्शन ग्रुप हो सकता है। यह मेन फंक्शन ग्रुप हो जरूरी, हर कंपाउंड में मुखिया हो जरूरी, तो कंपाउंड के अंदर जो मुखिया होगा हम पहचान लेंगे कि ये इस कंपाउंड का मुखिया है, उस मुखिया को हम लिखेंगे S2 के स्थान पे। और हर मुखिया के लिए एक S2 होता है, हर मुखिया के लिए क्या होता है बताओ, S2। अब कौन कौन से मुखिया होंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे, ये टेबल में बना हुआ, जो इस टेबल में जिसके लिए सफिक्स यूज किया गया, देखिए कुछ के लिए, जिसके जिसके लिए S2 यूज किया गया, ये जो टेबल में लिखे गए हैं, ये इस टेबल में यहां पर, जैसे ये इसके लिए S2 है ना, अगर ये कहीं पर प्रेजेंट है तो ये मुखिया होगा, ये SO3H है तो ये मेन फंक्शन ग्रुप होगा, ये कौन सा है बताओ, एसिड एनहाइड्राइड है तो इसके लिए आपका ये S2 सफिक्स यूज होता है, यहाँ पर सफिक्स या S2 यूज होता है, और यहाँ पर इसका प्रीफिक्स, या अगर ये मान लो फ्यूचर में कभी P2 बन जाते हैं तो क्या यूज होता। वैसे तो मुझे बनाना चाहिए ऐसे, एक एक पेज छोड़ दिया मैं, ध्यान नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये किसके बारे में बताता है बेटा, कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता, तो मेन, हर मेन फंक्शन ग्रुप के लिए क्या यूज होता है, एक S2, वो इस टेबल में लिखा है, इसको आप देख लीजिए। जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए S2 क्या होता है, इसके लिए दो S2 होते हैं, सी डबल एच के लिए दो S2 होते हैं, हाँ हाँ, ये फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है बताओ, कार्बोक्सिलिक, इसका S2 क्या है, कार्बोक्सिलिक या ओइक, इसके दो S2 होते हैं। अब हम बताएंगे आगे फ्यूचर में कब किस S2 को यूज करेंगे। अच्छा, सल्फोनिक एसिड का एक ही S2 होता है, जिसका क्या नाम है, सल्फोनिक एसिड। एस्टर का दो S2 होता है, एक होता है कार्बोक्सिलेट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ये O8, ये S2 है, इसका S2 है O8 और इसका S2 क्या है बताओ, कार्बोक्सिलेट, यही S2 है। अच्छा, ये COX का जो S2 होता है, एस्टर का हो गया, ये COX का क्या होता है बेटा, ये मैं भूल गया, इसमें ये जो एसिड एनहाइड्राइड है ना, इसके भी दो S2 होते हैं, एक होता है ओइक एनहाइड्राइड और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक, एक तो ओइक एनहाइड्राइड लिखा है और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। टेबल में बना दूं क्या इसको वापस, ये इससे काम चल जाएगा, काम थोड़ा समय बच जाएगा, मैं सोचा था टेबल ये बनी बनाई रहेगी तो काम चल जाएगा, लेकिन टेबल में थोड़ी सी करेक्शन है तो मैं यहीं पे करेक्शन कर लेंगे। ओके, अगला इसमें बताइए, COX जो है एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड के लिए दो S2 होते हैं, एक होता है कार्बोनिल हैलाइड, दूसरा क्या होता है, ऑयल हैलाइड। धीरे धीरे याद हो जाएगा जैसे हम फंक्शन ग्रुप की नेमिंग करेंगे।
अगला, एमाइड के दो एस टू होते हैं, एक होता है कार्बोक्सामाइड, दूसरा क्या होता है एमाइड। साइनाइड के दो एस टू होते हैं, कार्बोनाइट्राइल और नाइट्राइल, ठीक है। अच्छा, आइसोसाइनाइड का एस टू होता है आइसो नाइट्राइल, और ये एल्डिहाइड के दो एस टू होते हैं, एक कार्ब एल्डिहाइड होता है, दूसरा क्या होता है अल, और कीटोन का एक ही एस टू होता है, वो होता है ओन, ठीक है। एल्कोहल का एक ही एस टू होता है OH, थायो एल्कोहल का क्या होता है बताओ, एक ही एस टू होता है थायोल, एमाइंस का एक ही एस टू होता है, इन और आइन के लिए कोई एस टू नहीं होते। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनका एस टू होता ही नहीं, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो एस टू के रूप में यूज नहीं होते, इतने ही फंक्शनल ग्रुप हैं जो एस टू के रूप में यूज होते हैं। एक है, मैं लिखा देता हूं यहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो एस टू के रूप में यूज होते हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक है, दूसरा सल्फोनिक एसिड है, तीसरा एसिड एनाइट्राइड है, चौथा एस्टर है, पांचवा एसिड हैलाइड है, छठा एसिड एमाइड है, सातवा साइनाइड या नाइट्राइल है, आठवां आइसोनाइट्राइल है, नेक्स्ट एल्डिहाइड है, नेक्स्ट कीटोन है, नेक्स्ट अगला OH है, नेक्स्ट SH है, नेक्स्ट एमाइन। ये एस टू के रूप में यूज होते हैं, ये एस टू। बेटा मैं सारे डाउट आपको, अच्छा सर प्लीज चैट भी देख लो, इसमें ऊपर, हाँ 20-30 वगैरह कहाँ प्रयोग होता है मैं आगे आपको बताऊंगा बेटा, और ये ऊपर से चैट दिखाओ यार, है ना। हाँ ठीक है, सीट में प्रॉब्लम है, बिस्ट्रिस आगे बताता हूं, है चैट बॉक्स देख लिया भाई, ठीक है। और क्या है, इफ देर इज अनसेचुरेशन इन साइड कार्बन चेन साइक्लिक कंपाउंड देन विच इज कंसीडर्ड एज पैरेंट कार्बन चेन। मैं खुद ही बताता हूं बेटा, अभी ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ओके हो गया बेटा, लिख लिया। अच्छा यहां पर मैंने, यहां पर एक चीज स्पेसिफाई, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो ये P2, ये किसके रूप में यूज होते हैं बताओ, इनका S2 होता है, इनका S2 होता है। और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कभी भी S2 के रूप में यूज होते ही नहीं, जैसे उनके बारे में बता दूं, यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर लिख देता हूं, ये यहां पे, ये जो साइड ग्रुप मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये आईयूपीएसी नेमिंग में ये जो P2 होते हैं ना, ये कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे होते हैं जैसे नाइट्रो, ये कभी भी S2 के रूप में यूज नहीं होता, नाइट्रोसो हेलो एल्काइल ईथर। अच्छा एल्काइल ग्रुप यहां पर ME है तो क्या लिख देंगे आप लोग, मिथाइल, ET है तो क्या लिख देंगे बेटा, इथाइल। ऐसे और भी आप देखेंगे, अगर ये वाला ग्रुप लगा है तो क्या लिख देंगे आप लोग, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, ऐसे ही ये ईथर ओआर, इसको क्या लिखते हैं, ये वाला पार्ट है एल्क, इसको लिखते हैं ऑक्सी, एल्कोक्सी। ये कभी भी फंक्शन ग्रुप S2 के रूप में यूज नहीं होते, एल्कोक्सी उस टेबल में मेंशन नहीं, यहां पर एक टेबल मिसिंग थी तो मैं ये लिख देता हूं, ओआर लिखा है तो क्या नाम होगा बेटा इसका, एल्कोक्सी। अगर यहां पर ओ सी एस थ्री लिखा है तो सी एस थ्री को मिथाइल लेते हैं ना, तो ये एल्क शब्द हम यहीं से लेंगे, मिथाइल है तो मेथ लेंगे, इथाइल है तो एथ लेंगे, प्रोपाइल है तो प्रोप लेंगे, ब्यूटाइल है तो ब्यूट, इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी। और अगर यहां पर ओ ई टी है तो क्या नाम लेंगे बेटा, इथॉक्सी। जानते ना ई टी का मतलब आप लोग, अगर कहीं पर ओ आइसो प्रोपाइल है तो क्या लेंगे आप, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ,
ये आइसो प्रोपॉक्सी। फिर टर्सरी ब्यूटाइल लेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, ये टर्सरी बीटॉक्स। एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे लगा ये सर ने बताया होगा, तो कोई नहीं, अब मुझे ये आपको मैंने बता दिया। ये कभी भी S2 के रूप में यूज नहीं होते। एक और ग्रुप है, इसका नाम क्या बताओ, फिनाइल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फिनाइल। ये हमेशा P2 के रूप में यूज होते हैं। P2 मतलब साइड ग्रुप। अच्छा, अगर यहाँ पर OPH है तो क्या नाम हो जाएगा भाई, इसको फिनाइल कहते हैं। ये फेन प्लस ऑक्सी, नाम क्या हो जाएगा बताओ, फिनॉक्सी। हो गया। अब मैं आगे आपको बता दूं, ये S2 के रूप में यूज होते हैं। अब यहां पर एक और बात बता दूं, जैसे मान लो कहीं पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक OH है, एक NS2 है ना, और एक एल्डिहाइड है। अब इस कंपाउंड में चार पांच फंक्शन ग्रुप आ गए, एक दो तीन चार। तो अब इसमें से किस फंक्शन ग्रुप को मुखिया बोलेंगे, सभी मुखिया नहीं होते, इसमें एक ही इसमें मुखिया होगा और बाकी सब फिर क्या हो जाएंगे, फिर उनका S2 यूज नहीं होगा, फिर साइड ग्रुप हो जाएंगे। परिवार का एक ही क्या होता है, मेन फंक्शन ग्रुप होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, साइड ग्रुप हो जाते हैं। और जब ये साइड ग्रुप हो जाएंगे तब इनका P2 यूज होगा, तो इसमें एक ही हो जाएगा S2, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बाकी क्या हो जाएंगे, P2 मतलब साइड ग्रुप। बोलो बेटा, ओके दैट्स ऑल। जैसे ये भी हो गया P2, ये भी हो गया P2। आगे बस बस एक एक करके मैं एग्जांपल दे रखा हूं। एक्चुअली आगे ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, अभी बस खाली एक जनरल रूल बता रहा हूं मैं। अब जैसे यहां पर अगर मान लो कभी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप P2 के रूप में यूज हो गया, तो इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, कार्बोक्सी। हम आपको बताएंगे कब ये P2 होगा। कभी सल्फोनिक को आपको P2, P2 मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये प्रीफिक्स मतलब साइड ग्रुप, और सफिक्स मतलब क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के रूप में यूज होगा, तो ये नाम होगा। तो इन सब के ये लिए गए, ये सल्फो लिया गया है, और इसके लिए एस्टर के लिए क्या लिया गया, दो है, एक एल्कोक्सी कार्बोनिल और दूसरा क्या है एल, ये गलत लिखा, एल्कोक्सी कार्बोनिल और यहां पर होना चाहिए ये एल्कोक्सी कार्बोनिल, दूसरा एल्केनोइलॉक्सी, एल्केनोइलॉक्सी मतलब एस्टर के दो पी टू होते हैं। एसिड हैलाइड के कितने P2 हैं बताओ, एक ही P2, हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल, ठीक है, हेलो कार्बोनाइल इसका ज्यादा करेक्ट नेम, हेलो फॉर्माइल गलत है। नेक्स्ट कुछ करेक्शन है, अच्छा इसका नाम होता है कार्बोमाइल या एमाइडो, ये दोनों ही करेक्ट है, और CN के लिए साइनो, ठीक है, और NC के लिए आइसोसाइनाइल या कार्बिल अमाइनो, और CHO के लिए फॉर्माइल या ऑक्सो यूज होता है, और कीटोन के लिए ऑक्सो या कीटो दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा इन दोनों में से एक ही प्रयोग करेंगे। अब हम आके आपको बताएंगे कि कब किसका प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एक डाउट है कि सर आपने बोला कि इसके दो सफिक्स हैं, एक कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा ओइक एसिड है, तो कब प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा जब कभी इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा बन जाए। जैसे मैंने कभी इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना चाहा और हमने इसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में हिस्सा बना लिया, तब इसका जो S2 होगा ये होगा ओइक एसिड। मान लो इसके कार्बन को हम पेरेंट कार्बन चेन में कभी जोड़ ही ना पाए, कभी कभी नहीं जोड़ पाते, जैसे ये साइकिल से जब जुड़ा होता है तब हम इनको नहीं जोड़ पाते। आगे हम आपको बताएंगे कुछ केसेस में इनके कार्बन को छोड़ना पड़ता है, पेरेंट कार्बन चेन में हम काउंट नहीं कर पाते, तब उस समय इनको बोलते हैं कार्बोक्सी। ये हम आगे आपको सिखाएंगे जब एक एक फंक्शन ग्रुप आपको पढ़ाएंगे तब, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा इस टेबल की वजह से हम लोग थोड़ा बहुत सिस्टमैटिक नहीं जान पाए हैं, तो एक बार मैं आपको बता के फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात याद रखना बेटा,
ये आईयूपीएसी मेथड में जो नेमिंग होगा पी टू पी वन डब्ल्यू आर एस वन प्लस एस टू, ये बताएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। फिर से सुनना, हर कंपाउंड में ये हो जरूरी नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप हर कंपाउंड में ये हो जरूरी नहीं है। अच्छा, कौन कौन से होंगे जिनका एस टू होता है, जब वो होगा तो वही हो सकता। ये बताता है कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या सभी सिंगल बॉन्ड है, तो या तो यहाँ पर एन होता है या तो इन होता है या तो आइन, ये हर जगह होता, ये हमेशा होता, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, डब्ल्यू आर ये रीढ़ की हड्डी है, मतलब अगर इंसान है तो रीढ़ की हड्डी भी होगी, तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें ये वर्ड रूट होगा ही होगा, ये 100% किसी में होता ही है। और पी वन है, ये किसी कंपाउंड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं होगा अगर ये ए साइक्लिक है, होगा अगर ये साइक्लिक है, साइक्लिक है तो पी वन का यूज होगा। अच्छा, पी टू किसी कंपाउंड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये साइड ग्रुप चंगू और मंगू होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में, हर दुनिया के कंपाउंड में ये दो पार्ट तो होते ही होते हैं, बाकी तीन पार्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम एस टू कैसे पहचानेंगे, कि ये जिनके एस टू टेबल में दिए गए, ये मैंने लिखा भी है, ये लोग अगर हैं तो वहां पर एस टू होगा, इनके अलावा कोई होगा तो यहां पर एस टू नहीं होगा। हाँ, अच्छा, इसमें एक बार डाउट, अब क्या वो 20 मिनट पीछे चलता है, अब तब तक मैं 20 मिनट आगे चला जाता हूं, तो उसमें डाउट पे नजर जाती नहीं है। और बच्चों को डाउट, आपके जो डाउट है बेटा वो मैंने नोट कर लिए हैं, सारे डाउट आपके नोटेड हैं, ऑटोमेटिकली ये डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एक बार पेशेंस रखो, अभी मैंने स्टार्ट किया है, एक भी डाउट अगर रह जाए, एक भी क्वेश्चन रुकेगा तो मेरी जिम्मेदारी। तो लेट्स है थोड़ा, अब क्या है कि यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं, हम हमारे बोलने के 20 मिनट बाद उनको सुनाई, 20 सेकंड बाद उनको सुनाई देता है, तो 20 सेकंड बाद, तब तक क्या होता है हमारे अगले स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो मैं आपके ये सारे इसमें चैट बॉक्स को देख लिया हूँ, और ये बीच में रुक करके अगर मैं सारे चैट बॉक्स के क्वेश्चन देने लगूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ये सारे डाउट आपके नोटेड हैं, ऑटोमेटिकली मैं सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आपको बताऊं, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के लिए ये पांच पार्ट में से ये एक चीज तलाशना बहुत जरूरी होता है, किसी कंपाउंड में वर्ड रूट क्या होता है, मेन फंक्शन, मेन कार्बन चेन तलाशना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल बोलूं कि इसमें प्रिंसिपल मेन कार्बन चेन कौन सी होगी, खैर आप लोग बता देंगे, काफी स्मार्ट है। इसमें आपको अगर मैं पूछूं कि इसमें प्रिंसिपल मेन कार्बन चेन कौन सी होगी, हम वर्ड रूट कैसे डिसाइड करें, तो अगर हम यहाँ वर्ड रूट डिसाइड करने जाएंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन दिखेंगे, एक तो ये लंबी सी चेन है, यहाँ से चलते हुए लेफ्ट से चलते हुए राइट चलते हुए, इसमें कितनी कार्बन है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। दूसरा क्या है बताओ, हम यहाँ से चलते हुए ऊपर चले जाएं, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तीसरा क्या है, यहाँ से चलते हुए हम नीचे आ जाएं, इसमें भी कितने कार्बन, 8 कार्बन। चौथा क्या है, यहाँ से चलते हुए ऊपर चले जाएं या ऊपर चलते हुए नीचे, ये कौन सा कार्बन चेन हो गया, चौथा कार्बन चेन। पांचवा कार्बन चेन हो गया, ऊपर से चलते हुए हम राइट चले जाएं, छठा कार्बन चेन नीचे से चलते हुए राइट। तो आप मुझे बताइए इसमें मेन कार्बन चेन कौन होगा, सीधी ये वाली, लेफ्ट चलते ऊपर। अच्छा, कितने, एक एक बताइए आप लोग, ये वाली चेन मेन कार्बन चेन होगी, सीधी जो चल रही है यहां से लेफ्ट टू राइट चल रही है, आपके हिसाब से ये चल रही है, आपके हिसाब से यही है। अच्छा, ये वाली मेन कार्बन चेन होगी, और आपके हिसाब से भी यही होगी, आपके हिसाब से भी यही होगी, आपके हिसाब से ये वाली, तो कौन सी चेन बनाए किधर से, अच्छा आपके हिसाब से ये वाली चेन, यहाँ से चलते हुए ये वाली मेन कार्बन चेन होनी चाहिए, ओके। और बताइए आपके हिसाब से सीधी आनी चाहिए, देखिए अब यहीं पर तीन लोग हैं, तीन बातें बोल रहे हैं, और कोई है जो चेंज करना चाहता है,
तो अपन को सबसे पहले किसी भी कंपाउंड के नाम को देने के लिए उसका वर्ड रूट डिसाइड करना जरूरी होता है, और वर्ड रूट डिसाइड करने के लिए अपन को कुछ रूल डिसाइड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन जानना है, उसके बाद पैरेंट कार्बन चेन पे जो ग्रुप उपस्थित हैं उनकी नंबरिंग अपन को जानना सीखना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन। हाँ, इसका आंसर ऊपर से नीचे वाली चेन, इसका आंसर क्या है? ऊपर से नीचे वाली चेन मेन कार्बन चेन होगी। एक्चुअली आपने एक शब्द पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन पैरेंट कार्बन चेन, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन हम आखिरी में देखते हैं। तो हेडिंग डालिए थोड़ा समय मैं हल्का कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं। ये क्या हो व्हाइट, अच्छा यहां पर हो सकता है जल्दबाजी में चीजें समझ में ना आई हो और मैंने कुछ चीजें आगे पीछे बोल दी हो, पर अभी मैं अगले एक दो लेक्चर और मतलब इसमें एक लेक्चर डिले हो जाएगा, एक लेक्चर शेड्यूल के हिसाब से, तो मैंने जो देखा है वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से अलग है, मतलब हमारी आपकी ट्यूनिंग जो मैच कर रही है। तो थोड़ा सा एक रूल कुछ रूल में प्रॉपर तरीके से बताने के बाद भी फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। जैसे मुझे पता था कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं, फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, बस ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के नाम में पांच पार्ट जो होता है, इसमें सबसे ये मेन पार्ट होता है ये WR, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन, पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, ठीक है। इसके लिए याद रखना पहला फर्स्ट रूल, कि कोई भी कार्बन चेन में पैरेंट का प्रिंसिपल कार्बन चेन वही होगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और ढेर सारे मल्टीपल बॉन्ड के साथ। तो पैरेंट कार्बन चेन विल दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या ऐसे लिखें इफ देयर आर मोर देन वन कार्बन चेन देन दैट कार्बन चेन विल पैरेंट कार्बन चेन फर्स्ट विच हैव प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विद मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो। नंबर टू, अच्छा मान लो किसी में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अब्सेंट हो, तो वहां पर हम महत्व किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। व्हेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अब्सेंट देन दैट कार्बन चेन will be parent carbon chain which have more number of multiple bond, MB मतलब समझ गए आप लोग ना, multiple। तीसरा, अच्छा multiple bond भी absent हो तब हम क्या देखेंगे? longest chain will parent carbon chain, ठीक है। when प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड बोथ अब्सेंट देन दैट कार्बन चेन विल बी पैरेंट कार्बन चेन विच हैव which is longest, अगला, अगर मान लो दो कार्बन चेन की लंबाई एक जैसी हो जाए, जैसे दो कार्बन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी ऑप्शन, मल्टीपल बॉन्ड भी ऑप्शन और लंबाई भी सेम हो जाए, समझ में आ गया? तो पैरेंट कार्बन चेन कौन होगी बताओ? वो होगी पैरेंट कार्बन चेन जो जिसमें ज्यादा ज्यादा साइड ग्रुप अटैच हो। व्हेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड अब्सेंट
एंड लेंथ ऑफ पैरेंट कार्बन चेन also becomes same, then that carbon chain will be parent carbon chain which have more number of side group. Which have more number side group. समझ गए आप लोग? बोलिए अब आप कुछ क्वेश्चन आप करिए. नोट कर लिया होगा आपने, इसमें पैरेंट कार्बन चेन चुनिए. बताइए इसकी पैरेंट कार्बन चेन कौन होगी? पक्का ये होगी. ठीक है. नंबर टू, मान लो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी एब्सेंट हो जाए. हाँ, क्या चीज? ये तो आपके पास उसमें रहेगी, ग्रुप में रहेगी. ग्रुप में है ना आप, तो उसमें से नोट कर लेना. फटाफट क्वेश्चन देखते जाओ और ग्रुप से आप नोट कर लेना. इसमें कौन होगा बताओ? पक्का? क्योंकि इसमें ढेर सारे क्या प्रेजेंट है? मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अब मैं आपको एक और बताता हूँ. नेक्स्ट किसकी मैं आ रहा हूं, बस उस पर भी आ रहा हूं. मतलब पहले हम पैरेंट कार्बन चेन चुन लेंगे, फिर नंबरिंग कर लेंगे, फिर तुरंत नाम दे देंगे फटाक से, और कुछ नहीं करना पड़ेगा. तो बस इतना ही बताना चाह रहा हूं आपको. अब इसमें ध्यान से देखिएगा, कितने पैरेंट कार्बन चेन दिख रहे हैं हमको? यहां से चलते हुए ऊपर की तरफ, यहां से चलते हुए ऊपर की तरफ, एक है यहां से चलते हुए देखिए नीचे की तरफ, ठीक है, और एक क्या है बताओ? ये सी बन रहा. अब इसमें पैरेंट कार्बन चेन किस में होगा? देखिए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप किसी में नहीं. ऊपर वाले में है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप? नहीं है. इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है. मल्टीपल बॉन्ड इसमें नहीं है. अगर आप यहां से चलते हुए इधर आएंगे तो कार्बन कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो साइकिल के पैरेंट कार्बन चेन में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा. अब पैरेंट कार्बन चेन कौन होगा जल्दी से बताओ? पैरेंट कार्बन चेन या तो इसे चलते हुए ऊपर की तरफ होगा, या तो इधर चलते हुए. लंबाई क्या? लेंथ मतलब इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन. ये तो हमें देखना ही नहीं. अब इन दोनों में किसको मानेंगे पैरेंट कार्बन चेन बताओ? साइड ग्रुप किसमें ज्यादा है बेटा? ये साइड ग्रुप ज्यादा. इसमें मल्टीपल बॉन्ड के साथ देखो लंबाई भी सेम है, साइड ग्रुप ज्यादा, ये पैरेंट कार्बन चेन. तो पैरेंट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया. अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें नंबरिंग करना है पैरेंट कार्बन चेन की. नंबरिंग में एक और क्वेश्चन लिख लो. यहां पर एक और रूल लिख लो कि साइड कार्बन चेन अगर है, साइड कार्बन चेन और पैरेंट कार्बन चेन में से मेन कार्बन चेन एक ही होगा. या तो साइड वाली कार्बन चेन मेन कार्बन चेन होगी, या तो साइकिल होगी. मैं स्टेटमेंट जो है फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर साइक्लिक कार्बन चेन हो, साइक्लिक कार्बन चेन हो और ओपन चेन कार्बन चेन हो, बाहर एक कार्बन चेन हो, तो बाहर वाली और साइकिल में से एक ही मेन कार्बन चेन होगा. और मेन कार्बन चेन वही होगा जो प्रायोरिटी के ऑर्डर पे हम डिसाइड करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा. प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है तो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा. मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तब क्या देखेंगे? लंबाई देखेंगे. बोलो तो आप इसमें पैरेंट कार्बन चेन कौन होना चाहिए बताओ? ये ऊपर वाली पैरेंट कार्बन चेन हो सकती. पक्का? अभी बच्चा बोला था एक और अनसैचुरेटेड चेन बाहर है. जैसे मैंने यहाँ पर बोला 2 कार्बन की चेन बाहर है और ये 6 कार्बन की साइकिल, इसमें पैरेंट कार्बन चेन कौन होगा? ये ऊपर वाली पैरेंट कार्बन चेन होगी. लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, डबल बॉन्ड हम यहाँ कर दें, ठीक है, ऊपर, इसमें पैरेंट कार्बन चेन कौन होगा बेटा? बोलिए. ये रिंग पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगी. ओके, ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ एक और क्वेश्चन.
कि अगर हम यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना दें, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन और यहाँ पर एक OH लगा दें, इसमें आपको पैरेंट कार्बन चेन चुनना। देखिए अब ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख लेना कि अगर पांचवा पॉइंट है कि साइड चेन में और साइक्लिक चेन में एक ही पैरेंट कार्बन चेन होगा, एमंग साइड चेन एंड साइक्लिक चेन वन चेन विल बी पैरेंट कार्बन चेन, समझ गए? तो अब इसमें कौन होगा बेटा, या तो ये साइकिल होगा, सॉरी या तो ये साइकिल होगा या तो ऊपर वाली चेन होगी, तो किसको पैरेंट कार्बन चेन बताएंगे? बोलो, ऊपर वाली को क्या बोलेंगे? पैरेंट कार्बन चेन। क्यों, इसमें क्या प्रेजेंट है? आ गया समझ में आपको? अच्छा मान लो कहीं पर दो साइकिल अटैच है तो जो बड़ी वाली होगी ये क्या हो जाएगी? पैरेंट कार्बन चेन, बसरते इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड अब्सेंट हो। पर मान लिया अगर इसमें हमने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड जोड़ दिया होता तो बेटा, जैसे हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ दिया होता तो पैरेंट कार्बन चेन कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी पैरेंट कार्बन चेन, जो सर्कल है वो पैरेंट कार्बन। तो पैरेंट कार्बन चेन चुनना आ गया आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं इस कंपाउंड में पैरेंट कार्बन चेन कितना होगा, इसमें पैरेंट कार्बन चेन कौन होगा बताओ? ये एक कार्बन की चेन हो जाएगी पैरेंट कार्बन चेन, इसमें ये हो जाएगी साइड ग्रुप हो जाएगी। समझ गए आप लोग? तो वो बच्चे जो डाउट था बाहर पूछा था कि एक अनसैचुरेटेड चेन बाहर हो और साइक्लिक जो है सैचुरेटेड हो, तो उसमें कौन पैरेंट कार्बन चेन होगी, डाउट आपका शायद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे नंबरिंग ऑफ पैरेंट कार्बन चेन और फटाफट हम IUPAC नेम देखेंगे। IUPAC नेम में हमें ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक के जो दो सफिक्स हैं कब किसका यूज करेंगे, ऐसे ही जहां जहां दो सफिक्स हैं वो कब किसका यूज करेंगे, और जैसे कहीं पर दो प्रीफिक्स है एल्डिहाइड में और एस्टर में कब एल्केनोइल ऑक्सी कहेंगे कब एल्कोक्सी कार्बोनिल कहेंगे, ये हम पढ़ेंगे। तो नेमिंग हमारा एक लेक्चर या मैक्सिमम डेढ़ लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। चलो बच्चों, हाँ कुछ डाउट है किसी का बता दो। ओके सर, वन मोर टाइम IUPAC नेम, थैंक यू। हाँ ओके, मैं एक बार अगले लेक्चर में एक बार मैं सोच रहा हूँ कि ये लेक्चर जो है मेरे को थोड़ा सा, मैंने क्या है कि सर ने डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दिया था और मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो बताता हूँ कि ये जो कितने पार्ट हैं, P2 क्या है, P1 क्या है, WR क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है। एक्चुअली मैं एक ही साथ सारे नियम बता देता हूँ, फिर इसके बाद सारे प्रैक्टिस भी एक साथ करता हूँ। और सर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुक्स अलग अलग स्टाइल का होता है तो मैं उसमें, लेकिन सर ने जो हमारा काम आसान कर दिया है कि उन्होंने हाइड्रोकार्बन की प्रैक्टिस ऑलरेडी क्या करा दी है, कर दी है। तो जब अपन नियम जानने के बाद जब हाइड्रोकार्बन में चलेंगे तो वहाँ पर हम आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारा वो समय बहुत बच जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन नंबरिंग ऑफ पैरेंट कार्बन चेन देखेंगे और IUPAC नेम फाइनल देखेंगे। हाँ बेटा, सर अगर मान लीजिए बेंजीन होगी और उसके ऊपर हम लोगों के पास अनसैचुरेटेड है, तो लेकिन बेंजीन को तो हम लोग अनसैचुरेटेड नहीं मानते, उसको अलग फिनाइल मानते हैं, उसको बेंजीन को अनसैचुरेटेड नहीं मानते, अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, किसको प्रेफरेंस देंगे, किसमें? इसी में, मतलब अगर वही रिंग में लास्ट में, हाँ यहाँ पे बेंजीन हो जाती है उसके जगह पे, यहाँ पे इसके नीचे वाला ये पे तो हम इसको मेन फंक्शन ग्रुप कार्बन चेन जुड़ी है तो ये याद रखिएगा, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप यहां भी प्रेजेंट नहीं है और फंक्शन ग्रुप यहां भी प्रेजेंट है, लेकिन बेंजीन को हम क्या मानते हैं बताओ? फिनाइल मानते हैं। तो इसके दो नाम लिखे जाते हैं, मारे मैं ऐसे बता दूं, इसमें अगर कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, फिर से सुनो, जैसे कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, ये फिनाइल पक्का जो हो जाएगी ये साइड ग्रुप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक साइड कार्बन चेन ये जुड़ी है, यहां पर हमने बेंजीन जोड़ दिया, तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो हो जाएगा ये बेंजीन, क्योंकि यहां पर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता है, DU4। लेकिन हम लोग उसको अनसैचुरेटेड तो नहीं मानते हैं, नहीं अनसैचुरेटेड रिएक्शन नहीं शो करता, मतलब वो अनसैचुरेटेड रिएक्शन शो नहीं करता, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, परंतु नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो ज्यादा है ना,
ठीक है, इनका एक डाउट है जो बाहर वाले बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए कि मान लो बेंजीन कहीं पर जुड़ी है और वो साइड कार्बन चेन के साथ जुड़ी है, तो वहां पर जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे कि साइड कार्बन चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, समझ में आ गया बेटा, साइड कार्बन चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे ये तो बेंजीन साइड ग्रुप हो जाएगी, लेकिन साइड कार्बन चेन में फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है तो सिर्फ डबल बॉन्ड देखना है, तो डबल बॉन्ड किसके पास ज्यादा है, तो बेंजीन मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर? ओके ठीक है, तो अपन इसकी प्रैक्टिस हम आगे भी करेंगे। अच्छा, आपने जो टेस्ट पढ़ा है कि बेंजीन अनसैचुरेशन टेस्ट देता है, क्यों? क्योंकि बेंजीन में एक्सट्रीम केस में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से उसकी एनर्जी बहुत ही क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और डाउन होने की वजह से वो रिएक्शन करने लायक नहीं रहता, इसीलिए अनसैचुरेशन टेस्ट देता, पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो वहां ज्यादा ही होता है ना। हाँ, सीट करेंगे बेटा, पहले अपन आपको रूल बता देंगे, अमित रूल बता देंगे, रूल बताने के बाद फिर एक साथ सीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, मैं चाहता हूं कि सीट आपसे खुद सॉल्व हो जाए, तो इसीलिए मैं ये सारे रूल आपको बता रहा हूं। एक बार मैंने रूल बता दिया, मैं हाथ खड़ा कर दिया कि भाई मैंने सारे रूल कंप्लीट कर दिए, अब आपका काम है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व आप खुद करेंगे, लेकिन एक बार रूल बताने में मुझे 1-1.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इनके नाम लिखेंगे, एक 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 फंक्शन ग्रुप मैंने ले रखा है, इसमें देखिए ये मल्टीपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखो एक ओपन चेन से जुड़ा है एक साइकिल से, तो एक जगह ओइक एसिड लगेगा, एक जगह कार्बोक्सिलिक, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसे यहां पर भी हम आपको सिखाएंगे एनहाइड्राइड की नेम, एस्टर का नेम, एसिड हैलाइड का नेम, एमाइड का नेम, और फिर नाइट्राइल साइनाइड का नेम, और फिर इनके नेमिंग के बाद फिर मैं आपको फाइनली सीट के दूंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई डाउट होगा तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच, आज पहला लेक्चर था तो मैं समझ गया, बाकी पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू बेटा।